नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एज इन्फॉर्मर में। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वालों कि रिलायंस जियो फ्री दे रहा है डेटा सर्विस सितंबर से और मार्च 31 मार्च 2017 तक फ्री डेटा देगा 4G, लेकिन फिर भी ये कंपनी लॉस में नहीं जाएगी, ऐसा क्या कारण है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर से लेकर के 31 मार्च 2017 तक कम्प्लीटली फ्री है, मतलब 31 दिसंबर 2016 तक था कि अनलिमिटेड डेटा फ्री था, मतलब 4GB फ्री था अनलिमिटेड के बाद। इसके बाद भी स्पीड स्लो है लेकिन अनलिमिटेड ही कह सकते हैं। इसके बाद 1GB 4G डेटा दिया, इसके बाद फिर स्लो हो जाएगी स्पीड, लेकिन अनलिमिटेड फिर भी रहेगी। तो इतना कुछ कॉलिंग, मतलब एक रुपया भी नहीं ले रहा, सिम का भी चार्ज नहीं ले रहा, सिम भी फ्री में दे रहा है, डेटा पैक भी फ्री में दे रहा है, कॉलिंग SMS पर डे 100 SMS भी फ्री में मिल रहा है आपको, कॉलिंग भी फ्री में मिल रहा है। तो इतना सब करने के बावजूद कंपनी को क्या मिल रही है? कुछ भी नहीं। तो फिर ये नुकसान में क्यों नहीं जा रही है इतना? मतलब अगर बात करते हैं एयरटेल, इसके बाद वोडाफोन, आइडिया या BSNL की बात, इतनी बड़ी कंपनी एक महीना तक फ्री नहीं दे सकती है कम्प्लीटली अनलिमिटेड, और ये कम्प्लीटली सिक्स मंथ तक कम्प्लीटली फ्री कर दिया है। तो ये कैसे, और इसको नुकसान क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न ये है कि सब्सक्राइबर बेस, दोस्तों इसका जो टारगेट है जितना मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचाना, अगर इतना सब्सक्राइबर पुर जाता है, और सोचिए सारे सब्सक्राइबर अगर 50 रुपया का भी रिचार्ज कराते हैं तो कितना होगा? फॉर एग्जांपल कि अगर आप मान लीजिए कोई एक स्कूल या बिजनेस रन कर रहे हैं, एक कोई बिजनेस है आपका और उसमें आपके कस्टमर की संख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो आप अगर लो मार्जिन पर भी काम करते हैं तो आप बहुत ह्यूज बेनिफिट में चले जाइएगा। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर बहुत कम है और आप प्राइस जो है लो तो रख नहीं सकते हैं, मजबूरन आपको हाई रखना पड़ेगा, और इसके बावजूद भी आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाली है। यही गेम खेल रहा है रिलायंस। इसका प्लान है कि इतना सब्सक्राइबर हो जाएगा, इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएगा कि अगर वो सब्सक्राइबर कॉलिंग तो फ्री है ही, इसके लिए तो उसका यूज करेंगे ही, अगर सिर्फ नेट पैक मतलब डेटा पैक अगर 50 रुपये का भी, या मान लीजिए कि महीना में अगर 500 रुपये का, 499 रुपये का भी पैक, या 149 रुपये का पैक, अगर हर एक सब्सक्राइबर तो नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए जितने भी सब्सक्राइबर है उसका अगर 50% भी करवाते हैं तो सोचिए कि वो मतलब कितना हाई, कितना बेनिफिट में चला जाएगा। यही है इसका पूरा बिजनेस मॉडल, जितना तक कि मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि और तो कुछ इसको प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये जो है 1 अप्रैल के बाद से ही ये जो आप कमर्शियल जो प्लान है ये लॉन्च होने वाला, अभी तक तो फ्री है, लेकिन हाँ अभी जो स्टिल अभी कम्प्लीटली जो 31 मार्च तक चल रहा है फ्री, इसमें भी है कि बूस्टर पैक है कि आपको अगर स्पीड मान लीजिए 1GB डेटा यूज़ कर लिए 4G स्पीड में और फिर भी 4G स्पीड चाहिए तो बूस्टर पैक आप रिचार्ज करवा सकते हैं। तो यहां से इसको बेनिफिट शुरुआती मिल रही है, और हो सकता है कि जो 31 मार्च के बाद उसके कुछ सब्सक्राइबर टूटेंगे। रीज़न यही है कि इसका जो है दूसरे ऑपरेटर पर कॉल नहीं लगता है, तो मतलब जो कॉल नहीं लगता है, कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम आ रही थी, इससे कुछ सब्सक्राइबर कुछ 10% तक डाउन हो सकता है, 10-15% तक डाउन हो सकता है, लेकिन 85% तक स्टिल इसके सब्सक्राइबर रहेंगे। मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं रहूँगा, क्यों? क्योंकि कॉलिंग फ्री रहेगी, डेटा स्पीड भी अच्छी रहेगी, नो डाउट अदर ऑपरेटर से बहुत अच्छी रहेगी, और इसका जो प्राइसिंग है ये जो एयरटेल या वोडाफोन आइडिया से बहुत कम कर दिया था, लेकिन एक कंपटीशन यहाँ पे आ गई है कि सारे कंपनी वाले जितने भी ऑपरेटर हैं अदर ऑपरेटर वो भी अपना प्राइसिंग नीचे ले आए हैं, तो जियो के कारण बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है। तो इसके सब्सक्राइबर थोड़ा बहुत कमेंगे लेकिन ज़्यादा होंगे, फिर भी एनीवे जितना टारगेट, अगर टारगेट पूरा लेता है तो ये हमेशा कंपनी प्रॉफिट में ही रहने वाली थी। यही है इसका बिजनेस मॉडल, शायद समझ गए होइए कि इतना कम्प्लीटली फ्री देने के बाद कंपनी बेनिफिट में क्यों है। अगर समझ गए, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, नीचे लाइक बटन है लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जितना लाइक करिएगा उतना मुझे इनकरेज होती है वीडियो बनाने के लिए, मैं खुशी खुशी और कुछ नॉलेज आपके साथ में शेयर करता हूँ और वीडियो बना के आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे मैं डालता हूँ। इसीलिए दोस्तों लाइक जरूर कर लीजिएगा, कोई सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक एज इन्फॉर्मर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।